मंगलवार का दिन है और कहीं ना कहीं बाजार में उम्मीद करते हैं कि मंगलमय होता हुआ दिखे। संदीप आज मुकाबला कर रहे हैं। नमस्कार संदीप। और हम देख रहे हैं कि बाजार में सब कुछ मंगलमय ही हो रहा है, 10,700 का लेवल भी पार हो रहा है और जिस लेवल की अब बात होती है ना, हमेशा लगता है कि वो कुछ हफ्तों में ही वो लेवल पार हो जाएगा। कुछ दिन पहले 10,700 की बात हो रही थी, वो लेवल भी आ गया। अब 11,000 की बात हो रही, वो कब आएगा? देखिए कब आ सकता वो। मुझे लगता है कि पता नहीं, बजट से पहले वो ये लेवल भी बाजार दिखाने लगा। जिस तरह से रफ्तार देखने को मिला, बजट पेश होने में अभी 2 हफ्ते हैं, तो हो सकता है बाजार की रैली भी कुछ भी कर सकता है, जिस तरह से बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। चलिए अब जहाँ पे नजर है वो सेंसेक्स में 35,000 और निफ्टी में 11,000, ये कुछ ऐसे लेवल है जिसको मार्केट सब कीनली वॉच कर रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बजट से पहले ही आ जाएंगे। अच्छी 35,000 तो मुझे लगता है कि आज ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एसजेएक्स निफ्टी में फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार हो रहा है। मुझे लगता है कि आज के 10 के 10 शेयर जो है खरीदारी के ही होने चाहिए, इसलिए मैंने 10 के 10 शेयर खरीदारी के लिए आपकी तरफ से 10 के 10 शेयर खरीदा। बिल्कुल 10 के 10 खरीदारी के ट्रेड्स होंगे, जहां खबरें हैं, न्यूज फ्लो है, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है, क्योंकि रिजल्ट सीजन भी शुरू हो गया है, वहां पर ज्यादा फोकस करके चले, वहां पर हो सकता है कि एक्शन बढ़ता हो। और मैंने कई हाई बीटा नीचे के शेयर लिए हैं, मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स जो चलेंगे तो बहुत मजबूत चलेंगे, और इसी वजह मेरा पहला शेयर होगा अल्कली मेटल्स होगा, जिसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। देखिए कल इस शेयर में जोरदार उछाल देखने को मिला, इनफैक्ट एक समय यह शेयर अपर सर्किट पे बंद भी हुआ था। यह शेयर होता, अगर अपर सर्किट होता तो मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करता, लेकिन जब भाव एडजस्ट हो गया उसका शेयर का अपर सर्किट खुल गया और थोड़ा करीब 1% 1.5% अपने सर्किट के नीचे बंद हुआ है, जो 10% का इसका सर्किट फिल्टर है। नतीजों से पहले शेयर में एक मजबूत खरीदारी का ट्रेंड इमर्ज हुआ है, मुझे लगता है कि यह ट्रेंड अभी भी जारी रहेगा। 22 जनवरी को नतीजे आने वाले हैं और बीते 3 दिनों में शेयर में देखिए करीब 67% यानी करीब 70% के आसपास की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली। यह संकेत दिखा रहा है कि शेयर में एक मजबूत उछाल देखने को मिल सकता है। पहले भी इस तरह के हाई बीटा नेचर के शेयर जो सर्किट पर बंद होते हैं बाद में खुल जाते हैं, उसको मैंने रेकमेंड किया और इंट्राडे में वापस उन शेयरों में सर्किट ही लगा है। आज के लिए 107.70 रुपये का जो इसका सर्किट लेवल है उसी को बताओ मैंने टारगेट लिया है 95 रुपये का, लेकिन आपको इसमें आज के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा। गैलेट इस्पात होगा आज का अगला शेयर जिसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। इस शेयर में भी लगता है कि आज इंट्राडे में कुछ हाल देखने को मिल सकता है। कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजे काफी बेहतर देखने को मिले हैं, मुनाफा करीब 40% के आसपास बढ़ा है और ये बढ़ के जो है करीब 22 करोड़ के आसपास पहुंचा है। वहीं इनकम की बात करें तो वहां भी करीब 10% का उछाल देखने को मिला। असर आज शेयर पर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। 300 रुपये का आपको इसमें लक्ष्य रखना है, 285 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। याद रखिए फास्ट मनी में अभी तक मैंने 3 नतीजों वाले शेयर दिए थे, जीएम बेबरीज 20% सर्किट लगा, या इसके अलावा मैंने बात की थी फ्लिप्स कार्बन ब्लैक, गोवा कार्बन के ट्रिगर के आधार पर उसमें बात की थी, उसमें सर्किट लगा और गलत इस्पात। हालांकि इसमें सर्किट की उम्मीद मुझे नहीं है, मुझे लगता है तेजी देखने को मिल सकती है। तकनीकी परख आपकी अच्छी है मनीष जी, और उसके साथ साथ अगर आप नतीजों की बात करते हैं तो फिर तो हमारा काम मुश्किल में आता नहीं, हो जाता है। वाला शेयर जो है ज्यादा तेज चलते हैं। मेरी इस स्टॉक के ऊपर नजर थी क्योंकि नतीजे आए थे, लेकिन आपने जो कि पहले सुबह ही आके बता दिया कि ये शेयर मैं ले रहा हूं, मुझे ठीक लगा। चले कोई दिक्कत नहीं, नतीजे बहुत सारे आ रहे हैं और कई अच्छी कंपनियां ऐसी जिनके नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं, अभी मौके बहुत मिलेंगे आपको। हां वही दो मौके आपके सामने रखता हूं मैं। डेल्टा कॉर्प एक मौका मुझे मिला लेने का, जिसके नंबर्स काफी अच्छे देखने को मिले हैं। देखिए इनकी जो आय है वो 103 करोड़ से बढ़कर 162 करोड़ रुपए के आसपास आई है। मार्जिन में सुधार देखने को मिला, इनफैक्ट मार्जिन 30% के नीचे के थे, 42% के पार चले गए। मुनाफा जो कि 10 करोड़ था वो करीब 45 करोड़ हो गया, यानी कि करीब करीब 4.5 गुना के आसपास की बढ़त मुनाफे में ईयर ऑन ईयर फ्रंट पे देखने को मिली है। तो बेहद शानदार नतीजे हैं, उसका इंपैक्ट हो सकता है स्टॉक में आज 5 है, उसके बाद 10% तक का जो मूव है वो भी देखने को मिले। मैंने कंजर्वेटिव टारगेट लिए हैं 326 रुपये के आसपास के, आपको ये लेवल स्क्रीन पर दिखें तो फर्दर अपसाइड के लिए भी आप इस स्टॉक में अप्रोच कर सकते हैं। उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है फिर आप उसे ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। जो शुरुआती कारोबार में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 314 रुपये के आसपास का होगा। एक और स्टॉक जिसके नंबर्स आए हैं वो है जी लर्न का। इनफैक्ट ये एसएल समूह की कंपनी है जिसके माध्यम से आप ये चैनल देख रहे हैं, पहले ये डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, लेकिन जो नंबर्स हैं जो रिजल्ट्स आए हैं वो बेहद शानदार हैं इस कंपनी के भी। आए देखिए 30 करोड़ थी वो 52 करोड़ हो गई, मार्जिन 33.5% के नीचे के थे, 34.5% के आसपास के हो गए। अबिडा में करीब 80% के आसपास की बढ़त आई है, वो मुनाफे में देखिए कई गुना की जंप है, 2.2 करोड़ का मुनाफा था वो बढ़कर 7.25 करोड़ हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखें 3.5 गुना के आसपास की बढ़त मुनाफे के फ्रंट पे देखने को मिली है। हो सकता है नतीजों के दम पे स्टॉक में भी आज 48 का जो की लेवल है वो पार होता हो, देखिए 48.20 के आसपास का पहला टारगेट लेके इसमें खरीदारी कर सकते हैं। शुरुआती कारोबार में स्टॉप लॉस रखिए 46 का। इस केस में भी अगर आपको ये लेवल स्क्रीन पे दिखते हैं टारगेट्स की 48.20 तो आप फर्दर गेंस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को फिर ट्रेल करते हुए चल सकते हैं।
मेरी तरफ से दो शेयर होंगे जहां मजबूती देखने को मिल सकता है नतीजों के बाद। अब मैं कहने के बजट को बड़े ट्रिगर के तौर पर लूंगा। इसमें जो मेरा अगला शेयर होगा एक्सल कॉप की होगा, इसमें खरीदारी करनी इसलिए करीब एक डेढ़ हफ्ते पहले मैंने शेयर रिकमेंड किया था जब ये शेयर जो है 2500-2600 के जोन में ट्रेड करा था। वहां से लगातार एक तेजी का ट्रेंड बना हुआ है, बीते सत्र में भी लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। जिस तरह से बजट पे ये माना जा रहा है कि ग्रामीण भारत पे फोकस बढ़ाया जा सकता है, उसका असर कहीं ना कहीं इन शेयर में इस बज में ही हमने देखा कि एक बड़ी रैली देखने को मिली। हो सकता है कि बजट का जब अनाउंसमेंट हो जाए, इस अनाउंसमेंट उसका हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन फिलहाल तो तेजी का ही ट्रेंड देखने को मिल सकता है। एक्सल कॉर्प केयर में खरीदारी करने से 3150 रुपये का लक्ष्य रखना होगा, 3050 रुपये का आपको इसमें स्टॉपलॉस लगाना होगा। फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़ी एक और कंपनी, इसमें भी एग्रीकल्चर सेक्टर बजट का ट्रिगर होगा, खरीदारी करने से लोग स्पीक होगा इसमें कि खरीदारी करके चल सकते हैं। लास्ट के आधे घंटे में देखिए जो भी फर्टिलाइजर स्टॉक थे, चाहे GSFC हो, GNFC हो, स्पीक जैसे स्टॉक्स हो, इन सब में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। इस कंपनी के जो है दूसरी तिमाही के नतीजे बेहतर देखने को मिले थे, माना जा रहा है कि तीसरी तिमाही के नतीजे में भी थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। आज के लिए मैं 50 रुपये का लक्ष्य दूंगा, 48 रुपये का आपको इसमें स्टॉपलॉस लगाना होगा। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट एक और कंपनी है जिसमें आज हो सकता है कि न्यूज फ्लो के दम पे तेजी बनती हुई दिखी। दरअसल श्रीलंका में इन्होंने एक नया रेस्टोरेंट खोला है, इनकी सब्सिडियरी है मेनलैंड चाइना, उन्होंने एक फ्रेंचाइज के तहत कोलंबो में अपना एक नया स्टोर खोला है, उसका जो इम्पैक्ट है हो सकता है स्टॉक पे आज पॉजिटिव साइड पे देखने को मिले। कल करीब 2% के आसपास की गिरावट थी, लेकिन न्यूज फ्लो के दम पे हो सकता है कि कल की जो कमजोरी है वो शायद आज रिवर्स होती हुई दिखे और आज एक पुल बैक की उम्मीद आप कर सकते हैं। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 178 रुपए के आसपास का होगा, 170 रुपए के आसपास के यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे चले। इसके अलावा एक और स्टॉक जिसमें आज दमदार मूव देखने को मिल सकता है वो है वैस्कन इंजीनियर्स का। काफी कम होता है कि स्टॉक के बारे में चर्चा होती है, लेकिन यहाँ पे यार न्यूज फ्लो ऐसा है कि स्टॉक में हो सकता है कि वो काफी अच्छा मूव लेके आए। इनका एक नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जो कि इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है और उसकी इन्होंने बिक्री शुरू करी है और पहले दिन में इन्होंने 85% जो यूनिट्स हैं वो बेच दिया, यानी कि जितनी भी इनकी अनसोल्ड इन्वेंट्री थी उसमें से 85% जो इन्वेंट्री है पहले दिन ही इन्होंने बेच दिया, तो जो मांग है वो बेहद शानदार देखने को मिली है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो स्टॉक में देखने को मिलेगा। मुझे याद है मनीष जी, जब सुबह के कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं तो स्टॉक में हम देखते हैं कि काफी अच्छा मूव देखने को मिलता है। इनफैक्ट उनके प्री सेल्स के नंबर्स के बेसिस पे भी पूरे सेक्टर में ही काफी अच्छा दमखम देखने को मिलता है। अगर ऐसा ही रुझान स्टॉक में भी देखने को मिले तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, इसलिए मैंने 50 रुपए के टारगेट प्राइस स्टॉक के दिए हैं। 50 रुपए के टारगेट अगर आपको दिखे तो फर्दर अपसाइड के लिए अप्रोच करें, लेकिन 47.20 रुपए ये एक स्टॉप लॉस का लेवल है जिसे आप स्ट्रिक्टली दिन के दौरान जरूर फॉलो करते हैं। वैसे भी हाई बीटा नेचर का शेयर है, जब खबरें आती हैं तो ऐसी खबरों के दाम पर तेजी देखने को मिलती है। वैसे आपने डेल्टा का टारगेट क्या दिया है संदीप? काफी कंजर्वेटिव, मैंने इसीलिए कहा अगर आपको दिखे, मैंने इसका जो टारगेट दिया 326 का है और एमके की भी रिपोर्ट आई है, उन्होंने इसका टारगेट दिया 411 रुपए का। सोचिए यहाँ से कितनी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। मुझे याद आ रहा है कि दिवाली के आसपास जब रमेश दमानी साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि गेमिंग इंडस्ट्रीज पे मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, और अभी ये एमके ने रिपोर्ट में कहा है कि ये प्योर गेमिंग प्ले शेयर अब होता हुआ जा रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ बड़ी रिपोर्ट देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि डेल्टा को पास का शेयर पैसा हो सकता है जो जोरदार उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे इनकी कुछ पॉलिसी भी आने वाली है गोवा में, उसका भी एक शेयर और बता दीजिए आप जो एक बड़े निवेशक ने खरीदारी की, हालांकि हम ले नहीं सकते, हमारे फॉर्मूले पर नहीं आता है। देखिए वो जो शेयर आप जिसकी बात कर रहे हैं वो शायद बिनानी इंडस्ट्रीज है। बिल्कुल, उसके लिए जो बोलियां लगाई जा रही हैं, देखिए वो कंपनी में एनसीएलटी में शायद वो कंपनी, तो उसके लिए जो बोलियां लगाई जा रही है उसमें राकेश झुंझुनवाला का नाम आ रहा है सामने, उसमें राधा कृष्ण धवानी है उसमें। बिल्कुल लगता होना ही है वो, तो क्योंकि वैसे भी टी ग्रुप में है तो ज्यादा बड़ा मूव उसमें आ नहीं सकता है, लेकिन हो सकता है कि आज सर्किट लगे और उसके बाद कई दिनों तक सर्किट लगता हो सकता है। तो मैंने और संदीप ने अभी तक आपको 8 स्टॉक्स बताए, एक स्टॉक्स हमने ऐसे ही बता दिया शगुन के तौर पे, जिसमें हमें उम्मीद है कि तेजी देखने को मिल सकती है। बिनानी इंडस्ट्री की बात की, अब बात करते हैं आज के ईपीएस शेयर की। और आज के लिए मेरी तरफ से जो बतौर ईपीएस शेयर होगा उसमें कई सारे बर्ज है, उसके आधार पर मैंने शेयर को चुना है। पोलारिस होगा, इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। देखिए मैं बीते अगर डेढ़ हफ्तों में देखेगा तो लगातार मैंने छोटे मंजिल आते शख्स पे खरीदारी करने की सलाह दी है, और कल इनफैक्ट इन्फिनाइट कंप्यूटर पर मैंने बात की तो वहाँ जोरदार रैली देखने को मिली थी। अब देखिए इस कंपनी में एक तो छोटी मंजिल आई टी कंपनी है, इसके अलावा इस कंपनी के देखिए लगातार नतीजे बेहतर देखने को मिले। अगर दूसरी तिमाही में देखेंगे तो मुनाफा करीब 3.5 गुना से ज़्यादा बढ़ा था, और माना जा रहा है कि इस क्वार्टर में नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस शेयर को चुनने की वजह क्या है? देखिए इस शेयर में एक बड़ी उछाल की गुंजाइश हो सकती है, केवल ये बस है मुझे जो समझ में आ रहा है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए खबर ये आई थी कल मैनेजमेंट की तरफ से कि प्रमोटर जो है कंपनी को डिलिस्ट करना चाहते हैं। इन्होंने जो पहले डिलिस्टिंग का भाव दिया था वो करीब 232 रुपये के आसपास दिया था, और कल ही उन्होंने इस भाव को बढ़ाया। हालांकि कल मार्केट आवर की खबर है उन्होंने बढ़ा के 370 रुपये किया है, हालांकि शेयर उससे काफ़ी ऊपर ट्रेड करा, डिलिस्टिंग भाव नीचे। लेकिन सामान्य तौर पे जब इस तरह की घटना होती है कि प्रमोटर किसी कंपनी को डिलिस्ट करना चाहता है
और उसके भाव को, डिलिस्टिंग भाव को लगातार अगर बढ़ा रहे होते हैं फ्लोर प्राइस को, शेयर में और भी तेजी देखने को मिलती है। क्योंकि समान तौर पर जो शेयर धारक है वो अपने शेयर को डिलिस्टिंग में टेंडर नहीं करते, वो इंतजार करते हैं शेयर के भाव को ऊपर जाने का। मुझे लगता है कि पोलारिस में यहाँ से और भी उछाल देखने को मिल सकता है। पहले भी ये ट्रेंड कई सारे शेयरों में देखने को मिला है। आज के लिए पोलारिस में खरीदारी करने की सलाह होगी, 440 रुपए का लक्ष्य होगा, 410 रुपए का आपको इसमें स्टॉपस लगाना। तकनीकी तौर पे भी शेयर बेहद मजबूत लग रहा है और मजबूत डिलीवरी आधारित शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। देखिए कल काफी स्मार्ट मूव था स्टॉक में। इनफैक्ट आप परसों की क्लोजिंग भी देखिए, जो आप 370 रुपए का रिवाइज प्राइस बोल रहे हैं उसके ऊपर की क्लोजिंग परसों भी थी, तो जो प्राइस दिया गया है वो परसों की क्लोजिंग से भी नीचे का दिया गया है। तो बाजार कहीं ना कहीं एंटीसिपेट करके चल रहा है कि यहाँ से जो भाव है कहीं ना कहीं और भी ऊपर की ओर रिवाइज हो सकता है। शेयर मुझे याद है कि इस तरह घटना जब हुई तो शेयर में 40% 50% तक रिटर्न देखने को मिले थे, लगातार तेजी देखने को मिली थी। ऐसा यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ भी जब उन्होंने ऑफर दिया था अपना, तो ओपन ऑफर का प्राइस उसको रिवाइज किया गया था बहुत बड़ी तेजी देखने। चलिए मैं आपको अपना ईपीए शेयर बताऊंगा, लेकिन आप चूंकि आपने एक शेयर बिनानी इंडस्ट्रीज की बात करी थी, एक और शेयर था आईएमपी पावर्स जिसको मैं नहीं शुमार कर पाया क्योंकि उसमें वॉल्यूम्स कम थे, लेकिन जर्मनी की कंपनी से उनको 20 साल के लिए एक ऑर्डर मिला है, उस कंपनी में हो सकता है बड़ा मूव देखने को मिले जो मैं नहीं शामिल कर पाया, रूल्स की वजह से नहीं शामिल कर पाया। मेरी तरफ से जो ईपीएस शेयर आज के लिए है वो है बीएल कश्यप का, एक रियल एस्टेट स्पेस की कंपनी है। दरअसल इस कंपनी में कर्ज को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें थी, अब शायद वो कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई दिख रही है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ इन्होंने एक वन टाइम सेटलमेंट किया है, इनके डेट को लेकर कुछ दिक्कतें थी और अब कर्ज की जो कुछ रकम है उसका भुगतान 31 जनवरी तक करते हुए दिखेंगे क्योंकि एक वन टाइम सेटलमेंट हुआ है। तो जो इम्पैक्ट है वन टाइम सेटलमेंट का स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ, उस वजह से हो सकता है कि स्टॉक में आज काफी अच्छा मूव देखने को मिले, इसलिए मैंने अग्रेसिव टारगेट दिए हैं 70 रुपए के आसपास के, 64 रुपए के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। बीएल कश्यप एक स्टॉक है जिसको आप अपने खरीदारी के लिए इसमें शामिल कर सकते हैं। कुछ एक और शेयर की चर्चा करते हैं जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है, केंटाविल होगा जिसमें कि आज के ट्रेड में खरीदारी करने की सलाह। रिटेल स्टॉक्स देखिए लगातार बस कर रहा है, इसमें मजबूती देखने को मिली है। वैसे भी सिंगल बैंड रिटेल में जो एफडीआई आने की बात हो रही है उसका फायदा इन कंपनियों को होता हुआ दिखेगा। कल देखिए लास्ट के आधे घंटे में जो शेयर में अच्छी मजबूती देखने को मिली, खासतौर पर जो पुलबैक था ये पुलबैक लगता है कि आज के ट्रेड में तेजी में बदलता हुआ दिख सकता है। 26 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना है, 119 रुपए का लेकिन आपको इसमें स्टॉपस लगाना होगा। स्टार पेपर मिल्स होगा आज के ट्रेड में खरीदारी करने की सलाह होगी। कल का स्टार परफॉर्मेंस शेयर था, जैसा नाम कल का परफॉर्मेंस वैसा ही देखने को मिला, शेयर ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहा और देखिए एक ट्रेंड देखने को मिला। और मैं रोज पोर्टफोलियो में एक या दो ऐसा शेयर जरूर शामिल करता हूं जो ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहा था, क्योंकि ऐसे शेयर में खरीदारी जारी ही रहने की पूरी गुंजाइश होती है और खरीदारी दिख भी रही होती है। स्टार पेपर में भी खरीदारी करने की सलाह होगी, 320 रुपए का लक्ष्य रखना है, 311 रुपए का स्टॉपस लगाना है। अगला शेयर जो मेरी लिस्ट में है वो है बीएससी का, इस स्टॉक पे आप नजर रखिए। इनफैक्ट कल भी आपको 7:30 बजे रिकमेंड किया गया था, 2% के आसपास की तेजी लेके काउंटर बंद हुआ। अब यहाँ पे एक चौंकाने वाली खबर आई है, यहाँ पे बीएससी ने बायबैक का ऐलान किया है, 15 लाख शेयरों के बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ है 1100 रुपए प्रति शेयर पर, जो कि मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो करीब करीब 120 रुपए या 12% के आसपास के प्रीमियम पे है। 166 करोड़ रुपए के आसपास की रकम खर्च की जाएगी और ये फिक्स प्राइस है 1100 रुपए का जिस पर ये बायबैक किया जाएगा। तो हो सकता है स्टॉक इस प्राइस को कहीं ना कहीं अचीव करने की कोशिश करे और आज 1010 तक के जो टारगेट प्राइस है इसी न्यूज फ्लो के चलते स्टॉक में देखने को मिले। 972 रुपए के आसपास का यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करके चलना होगा। इसके अलावा हो सकता है कि आज जो ज्वेलरी स्टॉक्स हैं वो फिर से लाइमलाइट में रहे, कल भी हमने देखा था पीसी ज्वेलर जैसे जो स्टॉक है वो काफी लाइमलाइट में थे। थंगामेल ज्वेलरी जो कि साउथ या तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट्स पे काफी ज्यादा फोकस करती है, इसमें हो सकता है कि आज फिर से एक्शन देखने को मिले। दरअसल जो वाणिज्य मंत्रालय है उन्होंने बजट में सोने पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो घटाने की मांग की है। इनफैक्ट अगर आप देखें जो एसोसिएशन है जो इंडस्ट्री है वो खुद भी ये चाहती है कि 10% इम्पोर्ट ड्यूटी है उसे घटाकर 4% कर दिया जाए। हो सकता है कि फेजिस में जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसे कम करने की जो बातचीत है इस बजट में आती हुई दिखे, तो ऐसी कंपनियां जो कि ज्वेलरी स्पेस की हैं और एक्सपोर्ट्स पे काफ़ी फोकस करती हैं उनमें हो सकता है कि यहां से लेकर बजट तक काफ़ी अच्छा रन अप आता हो दिखे। थंगामेल ज्वेलरी अच्छा खासा रन अप इस पूरे साल में या बीते साल में भी देखने को मिला है, लेकिन इस न्यूज़ फ्लो के चलते हो सकता है स्टॉक में तेजी बढ़ती हुई दिखे। 665 रुपये का टारगेट प्राइस होगा, 655 के आसपास का स्टॉप लॉस। आज का जो अगला शेयर होगा आरती ड्रग्स होगा जिसमें की खरीदारी करने की सलाह होगी। छोटे मजल फार्मा स्टॉक में वैसे भी तेजी का रुझान देखने को मिला, कंपनी से जुड़ी पॉजिटिव खबर यही है कि सेंट्रम ने इनफैक्ट जो है ब्रोकरेज हाउसेस की रहा है कि सेंट्रम ने इसमें निवेश करने की सलाह दी है, करीब 22% ऊपर का लक्ष्य दिया, 940 के लक्ष्य के साथ वो खरीदारी करने की सलाह दे रहा है। आज के लिए आरती ड्रग्स में 770 रुपये का आपको लक्ष्य रखना है, 748 रुपये का लेकिन स्टॉप लॉस होगा। जीएनएफसी होगा इसमें कि आज के ट्रेड में खरीदारी करने की सलाह होगी। फर्टिलाइजर सेक्टर जुड़ी हुई एक सरकारी कंपनी, गुजरात बेस्ड कंपनी
करनी है। और लगातार देखें शेयर में खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला। 2017 का एक ऐसा शेयर जिसने आउट परफॉर्म किया, एक बड़ी रैली दिखाई, वो GNFC था। करीब ये शेयर का जो है 540 ये शेयर का जो है कल जिस तरह से बंद हुआ, ये मल्टी ईयर कह सकते हैं ऑल टाइम हाई के बेहद करीब बंद हुआ है। मैनेजमेंट से जो पिछले दिनों बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट बना रहे जिसका अब यूरोपीय कंट्री में डिमांड बढ़ता हुआ दिख सकता है। GNFC में खरीदारी करने से आज के डेट में 552 रुपए का लक्ष्य होगा, 532 रुपए का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। अगला शेयर जो मेरी लिस्ट में है खरीदारी का है, इससे शायद मनीष आप भी इतफाक रखते हुए देखेंगे, अबान ऑफशोर एक स्टॉक है जिसमें हो सकता है कि आज फिर से तेजी बढ़ती हुई दिखे। देखिए बीते कुछ दिनों से हमने देखा है कि जितने भी ऑफशोर ड्रिलिंग स्पेस की कंपनियां हैं उनमें काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला भी है, और क्रूड जिस तरह से लगातार नए जो तीन साल की ऊंचाई है उनको छूता जा रहा है, उसका इंपैक्ट जरूर ऑफशोर ड्रिलिंग स्पेस पे देखने को मिलेगा। आप देखिए जो ब्रेंट क्रूड है वो $70 के आसपास और WTI क्रूड $64 के आसपास के जो लेवल्स है वहां पे दिखा रहा है। जब $60 के आसपास के लेवल्स आए थे तो हर कोई सोचा था कि शायद ये टेम्परेरी है, यहां से रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद देखिए करीब करीब $4 के आसपास का और इजाफा WTI क्रूड में देखने को मिला है। तो जिस तरह से ये लेवल्स अब सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं क्रूड प्राइसेस के लिए, ये जितनी भी ऑफशोर ड्रिलिंग स्पेस की कंपनी जो कि एंसिलरी सेवाएं प्रोवाइड करती हैं अपस्ट्रीम कंपनियों को, उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। मुझे लगता है कि जो रैली है, कल स्टॉक जरूर थोड़ा सा थमा था, ये कंटिन्यू रहेगी रैली, और हो सकता है कि आज आपको फिर से 270 तक की जो चाल है स्टॉक में देखने को मिले, और इवेंचुअली तो बहुत ऊपर के टारगेट स्टॉक के आ सकते हैं। एक 260 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, इसे अपनी खरीदारी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। एक अगला स्टॉक इनफैक्ट जो पूरा स्पेस ही है डिफेंस से रिलेटेड, वो हो सकता है कि बजट में काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहे क्योंकि हो सकता है रिकॉर्ड आउटलेट्स आते हुए दिखें, तो एस्ट्रा माइक्रो एक स्टॉक है जिस पे आप नजर रख के चल सकते हैं। कल भी काफी एक्टिव था, आपने शामिल किया था 7:30 बजे 10 बजे मैंने भी बताया था स्टॉक, और देखिए 5-6% के आसपास की तेजी लेके काउंटर बंद हुआ था। देखिए कल एक बड़ी बल्क डील हुई थी स्टॉक में, और उसमें बाजार के बड़े निवेशक हैं दिलीप कुमार लक्की, उन्होंने करीब करीब 9.25 लाख शेयर इस कंपनी के अक्वायर करे हैं, 1% के आसपास की हिस्सेदारी अक्वायर की गई है। और मनीष अच्छी बात यह है कि इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो भी काफी कम है, तो एक सॉफ्ट टेक ओवर टारगेट भी है कंपनी। वैसे भी रिजाइली PM इंडिया में आए हुए हैं, नाम आता है LNTO जैसी कई कंपनियों का नाम आता रहा है, कई बार आता रहा है, और हो सकता है कि इसका जो एक्विजिशन है वो काफी अगर आ भी जाए बहुत जल्द तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग 20% के आसपास ही है। इसमें आप नजर रख के चल सकते हैं, बड़े निवेशक अब इसमें उतर रहे हैं। आजकल जो टारगेट प्राइस है वो 130 रुपए का होगा, 121 के आसपास का स्टॉप लॉस। तो मैंने और संदीप ने अभी तक आपको 18 शेयर बताया, इनफैक्ट 18 नहीं 20 शेयर तो बता दिए, 2 सगुन के तौर पर शेयर बताए थे जो हमने नहीं ले पाए अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन अब बात करते हैं आज के सुपरहिट शेयर की। और आज के लिए मेरी तरफ से जो एक बतौर सुपरहिट शेयर होगा छोटी कंपनी होगी, जिसमें मुझे लगता है कि आज के ट्रेड में एक मजबूत उछाल देखने को मिल सकता है, कह सकते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाल वाली स्थिति हो सकती है, मार्केटर होगा जिसमें कि मैं खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ आज के ट्रेड में। वजह यह है कि देखिए कंपनी से एक तो पॉजिटिव खबर यह आई है कि इंडोनेशिया में इन्होंने जो है वापस से कोयले का उत्पादन शुरू किया, इन्होंने BSE को इस बात को इन्फॉर्म किया। उसके बाद से हमने देखा कि शेयर में कल हल्की सी तेजी देखने को मिली थी, आज भी मजबूत उछाल देखने को मिल सकता है। 50 रुपए के लक्ष्य के साथ मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगा, 45 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। देखिए कंपनी शिपिंग के कारोबार से जुड़ी हुई है, और जिस तरह से आप शुरू हुआ गया इनका प्रोडक्शन शुरू हुआ वो एक पॉजिटिव ट्रिगर हुआ। इसके अलावा बाल्टी ड्राई इंडेक्स देखिए, वहां पे अगर बीते 15-20 दिनों का रुझान देखेंगे ना, जोरदार उछाल देखने को मिला, करीब 10% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिले। जब भी उसमें तेजी आती है बाल्टी ड्राई इंडेक्स में, शिपिंग शेयरों में एक मजबूत उछाल का संकेत देखने को मिलता है, या मजबूत उछाल आता भी है। आज के लिए मार्केटर में 50 रुपए का लक्ष्य किया, 45 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक रिन्यूएबल स्पेस कंपनी है आयनोक्स विंड, इस पे आप चाहे तो यहां से लेके बजट तक भी अपनी जो नजर है वो बना के रख सकते हैं, पोजिशनल कॉल भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो क्लीन फ्यूल है, जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, उनमें जो बजट में काफी ज्यादा थ्रस्ट देखने को मिल सकता है। तो आयनोक्स विंड एक कंपनी है जो कि खासतौर पर विंड कारोबार से जुड़ी हुई है, यहां पर बजट में कुछ बड़े ऐलान आ सकते हैं, कुछ ड्यूटीज में चेंज किए जा सकते हैं, तो उसका इंपैक्ट आप जरूर इस स्टॉक में देख के चल सकते हैं। लेकिन आज जो खबर आई है उसके मुताबिक केयर रेटिंग्स ने इस कंपनी की जो लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज हैं उनकी जो रेटिंग है वो ए पर बरकरार रखी है, और इनफैक्ट उन्होंने जो आउटलुक है उसको अपग्रेड किया है, पहले नेगेटिव आउटलुक था अब उसे बढ़ाकर स्टेबल किया है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है जिसकी वजह से आज इंट्राडे में हो सकता है कि स्टॉक में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिले। मैंने आपको जो टारगेट्स दिए आज के लिए वो 152 रुपए के हैं, 143 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। आयनोक्स विंड यहां पे आज काफी अच्छे जो मूव्स है वो देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब रीकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बताया गया, अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो उस पर आप नोट कर सकते हैं। मैंने आज जो शुरुआत करी है वो 2 नतीजे वाले काउंटर्स के साथ करी थी, डेल्टा कॉप और जीलन, दोनों के नंबर्स काफी अच्छे आए हैं,
डेल्टा कॉप में 326 के टारगेट होंगे। जीलन में आज के लिए 4820 का टारगेट प्राइस होगा। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट ने नया रेस्टोरेंट खोला है श्रीलंका में, 178 का टारगेट प्राइस होगा। वेस्कॉन इंजीनियरिंग इनके जो नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के सेल्स के आंकड़े हैं वो बेहद इंकरेजिंग है, 50 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। बतौर ईपीएस डीएल कश्यप इन्होंने स्टैंड चार्टर्ड बैंक के साथ एक वन टाइम सेटलमेंट किया है, 70 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। इसके अलावा जो अगला शेयर मेरी लिस्ट में था वो है बीएससी का, यहाँ पे बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ है, आज हो सकता है 1010 तक की चाल देखने को मिले। संगमेल ज्वेलरी सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो सकती है बजट में, 665 तक की चाल देखने को मिल सकती है। अवान ऑफशोर 270 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। एस्ट्रा माइक्रो में बड़े निवेशक उतर रहे हैं, 130 रुपये का लक्ष्य होगा। बतौर सुपरहिट आइनॉक्स विंड यहाँ पे केएनएन की जो आउटलुक है उसमें सुधार किया है, 152 रुपये का टारगेट प्राइस, 143 रुपये का स्टॉप लॉस। मैंने भी 10 के 10 शेयर आज खरीदारी के लिए बताया है। शुरुआत आज के जिस ट्रेड के साथ मैंने की अल्कली मेटल्स है जिसमें खरीदारी करने की सलाह दी है मैंने। लगातार डिलीवरी बेस्ड मजबूत बाइंग, Q2 के नतीजे बेहतर आने की गुंजाइश, 107.70 रुपये का कुछ में लक्ष्य रखना होगा। गैलेट इस्पात में खरीदारी करने से नतीजे बेहतर देखने को मिले, मुनाफे में करीब 40% का जंप देखने को मिला, 300 रुपये का लक्ष्य होगा। दो कंपनियां जिसमें बजट का ट्रिगर होगा, एग्रो केमिकल सेक्टर जुड़ी हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर जुड़ी हुई, इनफैक्ट एक्सल कॉर्पियप 150 रुपये का लक्ष्य रखना होगा। और स्पीक जो कि फर्टिलाइजर सेक्टर जुड़ी कंपनी है, 50 रुपये का टारगेट रखना होगा। पोलारिस में खरीदारी करने की सलाह है, प्रमोटर ने जो डिलिस्टिंग का भाव 232 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये किया, कहीं ना कहीं एक मजबूत रुझान देखने को मिल सकता है। वैसे भी इस कंपनी के नतीजे दूसरी तिमाही के बेहतर थे, तीसरी तिमाही में बेहतर आ सकते हैं। और छोटे मजल आईटी स्टॉक्स में खरीदारी करने की लगातार उसमें खरीदारी भी देखने को मिली है, 440 रुपये का लक्ष्य रखना होगा। इसके अलावा कुछ एक और शेयर जहां पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है, इसमें केंटा बिल होगा, 126 रुपये का लक्ष्य रखना है। स्टार पेपर आरटी ड्रग्स में खरीदारी करने की सलाह, आरटी ड्रग्स पर रिपोर्ट आई है पॉजिटिव, आज के लिए 770 रुपये का लक्ष्य रखना होगा। इसके अलावा जीएनएफसी में खरीदारी कीजिए, 552 रुपये का लक्ष्य होगा। बतौर सुपर हिट से मैंने मार्केटर को उतारा है, इंडोनेशिया में वापस इन्होंने अपना प्लान शुरू कर दिया है। इसके अलावा शिपिंग शेयर में लगातार तेजी का रुझान देखने को मिला, चूंकि बाल्टी डाई इंडेक्स जो है उसमें हमने देखा बीते 15 दिनों में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था, 50 रुपये का आपको इसमें लक्ष्य रखना है। तो मैंने और संदीप ने इनफैक्ट जो है आपको 20 शेयर बताए, 20 के 20 शेयर खरीदारी के ही बताए गए हैं।